एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, ये देखिए, और ये है सामान, और इधर भी रखा है सामान। इसमें है खाने पीने का सामान, और ये रहे दो, हेलो चुन्नू मुन्नू दिवेन, और ये आ गई है सिस्टर जो कि फटाफट से आ रही है। तो क्या है मेड? मैंने कहा ये आ गई सिस्टर, कहते सिस्टर नहीं, मैं कहा फिर क्या मेड? तो फटाफट से हम लोग आए। कंघी अच्छे से अभी नहीं की है, ये देखो अच्छे से इसने तो की नहीं, किया नहीं, मैंने तो कर दी थी। और बेचारी के नहाने के टाइम में लाइट चली गई, और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आप देख लीजिए, वैसे तो टाइटल से आप पता लगा ही लोगे। तो चलिए, आ गए, गाड़ी आ गई इधर, तो अब फटाफट से हम चलते हैं। मेरे पास क्या है, चाबी कौन दे दो, चाबी तो ले लो। तो चलते हैं, आज आपको एक इंटरेस्टिंग सी अच्छी सी जगह लेकर चलते हैं जो कि बहुत सुंदर है। एक बज चुके हैं हमें निकलते निकलते, रोज तीन दिन से हमें एक ही बज रहे हैं, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं, क्या क्या देख पाते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बागा सराहन, जो कि बागी पुल से ऊपर जाना पड़ता है 12 किलोमीटर। तो ये दोनों जगह, मतलब जहां हम जा रहे हैं वो पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू निरमंड में। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एंटर हो रहे हैं। तो ये वाला पुल है, मैंने आपको काफ़ी टाइम बताया है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट शिमला को जोड़ता है। तो बस इसी से हम शॉर्टकट जा रहे हैं। वैसे अगर आप कहीं और से आते हैं तो बजीर बावली एक पुल है, वहाँ से निरमंड की तरफ आते हैं, तो उसी रोड से हमें जाना है, निरमंड होते हुए जाना है। तो ये देखिए, हस्बैंड खूब एंजॉय कर रहे थे, सॉन्ग में शेयर नहीं कर सकती। तो बस यहाँ से हमें शॉर्टकट पड़ता है, इसीलिए हम यहीं से आ गए हैं। और मेरे घर के बिल्कुल सामने वाली जो पहाड़ी आप हर सुबह देखते हैं, उसी पहाड़ी पर हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं। तो अभी हम लोग निरमंड से थोड़ा पीछे पहुँचे हैं, शायद मुझे लगता है कितने किलोमीटर है यहाँ से निरमंड, तीन किलोमीटर है यहाँ से निरमंड। तो 3 किलोमीटर अभी हम पीछे हैं, और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू सतलुज और मतलब नोगली से लेकर निरसू तत्नगर भी यहाँ से दिख रहा है हमारा घर, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ। और मैं ना, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, सामने से धूप पड़ रही है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, इतना सुंदर है ना, आप खुद ही देख लो। तो आप देख सकते हैं सतलुज आ रही है बिल्कुल पीछे से, और उस तरफ को डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है पूरा, और इस तरफ को डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है। तो ये बीच, इस तरफ को जहां हम खड़े हैं, ये बायल गांव है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। और देख लीजिए आप कितने हरे भरे यहां पर क्यार हैं, इस तरफ हर जगह क्यार लगते हैं। और उस तरफ को देखिए, वो आपको ग्राउंड दिख रहा है, वो दत्तनगर स्कूल का ग्राउंड है जो कि बहुत ही बड़ा है। जूम करने की कोशिश मैं कर रही थी, तो बस ये देख लीजिए, ये हमारा गाँव है, पूरा गाँव है, और घर भी यहाँ से दिखता है, पर अभी दिखाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ से व्यू है। और अपने घर से मैं आपको हमेशा सामने की तरफ दिखाती हूँ ना, तो ये वही वाली पहाड़ी पर मैं खड़ी हूँ। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। तो बस अब हम यहाँ से चलेंगे, और हमारे घर से ना ये वाला रेन शेल्टर दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब चलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल गए, और देखिए अब हम पहुँच गए हैं निरमंड। तो ये है निरमंड बाज़ार, अब काफ़ी फैल चुका है, और पहले इतना नहीं था, मैं तो बहुत कम आई हूँ, एक दो बार शायद पहले आई थी। तो ये हम निरमंड के एरिया में पहुँच चुके हैं, मतलब ये पूरा निरमंड है। और यहाँ से देखिए सामने की तरफ बिल्कुल निरमंड का बाज़ार है, और हम लोग बाज़ार में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे यू टर्न लेकर। तो इस सामने की तरफ को अगर आप जाते हैं तो ये निरमंड का बाज़ार है पूरा, और काफ़ी बड़ा है। तो हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया, और उसके बाद देखिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, पर मैंने आपको वहाँ से निरमंड के बाद सीधा बागीपुल स्टेशन यहाँ पर आ चुका है वो मैंने आपको दिखाया है। बीच में मतलब बहुत ही प्यारा व्यू था रास्ते का, पर छोटे छोटे बहुत सारे स्टेशन थे, इसीलिए मैंने आपको, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए निरमंड के बाद सीधा बागीपुल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है बागीपुल, देखिए इस पर बस चल रही है। तो बस यहाँ से हमें फिर से यू टर्न लेना है, और अब हम यहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे, 12 से 13 किलोमीटर यहाँ से चढ़ाई है, और एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऊपर जो आपको लास्ट में चोटी दिख रही है ना, इस पर हमें जाना है। तो रास्ता जो है वो ठीक ही है, मतलब मैं ख़राब नहीं कहूँगी, बीच बीच में थोड़ा ख़राब
ख़राब है, पर ठीक है रास्ता। तो देखिए अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और देखिए कितना सुंदर सा एक गांव आया है। तो इधर को गांव है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, घने घने से गांव है, कम है पर गांव है। अभी ना हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर थोड़े रुके थे क्योंकि तबीयत सी ऐसी ख़राब सी हो रही है ना, बच्चों की चिप्स चॉकलेट वगैरह इन्होंने खा लिए थे तो यहाँ हम रुक गए। और यहाँ से इतना मैंने तो कुछ भी नहीं खाया और इसको ठंड नहीं लग रही इस नालायक को। देखिए यहाँ हम नीचे से कहाँ से लेकर आ रहे हैं, हम बहुत नीचे से आ रहे हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं, मतलब बागी पुल से 12 किलोमीटर ऊपर जाकर बागा सरान है। और अब यहाँ से थोड़ा ऊपर है, मतलब ये जो दिख रहा है ना, मतलब बहुत टॉप पर जाकर है, वहाँ से ऊपर कुछ नहीं दिखता है। तो बस हम उधर जाएंगे। लो जी देखिए ठंड लग रही है, ठंडी लग रही है। फैशन के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, फैशन के आगे जीत है। और यहाँ पर ना एक पुराना सा घर है, मैं दिखाऊं, ऐसे घर होते थे। और पहाड़ों में ना मतलब हाइट हाइट में तो अभी भी ऐसे ही घर होते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ती है, स्लैब वगैरह जो है जल जाते हैं। तो पहले यहाँ को ये रोड नहीं था, पैदल आते थे। तो हस्बैंड बता रहे हैं कि वो 9 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं जब वो कॉलेज टाइम में आए थे। तो अब तो रास्ते हैं और पक्के भी हो चुके हैं, ये बात है, बीच बीच में ख़राब है पर ठीक ही है। क्या और ये पति देव कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है? आनंद। लेट हो गए, लेट हो गए बोल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है ना, लेट हो गए बोल रहे। चलो चलो चलो, यहाँ पर ना बारिश एकदम हो जाती है, कोई पता नहीं लगता है, यहाँ पर बारिश भी चालू हो जाती है। चलो चलो, हाँ चलो। तो बस जैसे हम थोड़ा ऊपर आए तो देखिए हमें क्या देखने को मिला, आप लोग भी देख लीजिए। बर्फ है यहाँ पर, अभी तक यहाँ पर बर्फ ठहरी हुई है, वो भी मतलब इस साल में अच्छे से बर्फबारी नहीं हो पाई है तो ये कम है। अगर बहुत ज़्यादा होती तो इस टाइम शायद यहाँ आना मुश्किल होता क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, हाइट में बर्फ टिकी रहती है काफ़ी टाइम तक। तो देखिए बर्फ काफ़ी थी, मतलब इधर उधर रास्ते के इधर उधर थी, जहाँ जंगल है ना वहाँ जल्दी पिघलती नहीं है। तो जैसे रास्ते वगैरह में गाड़ियाँ चलती है अब तो वहाँ से पिघल जाती है, तो मतलब काफ़ी थी यहाँ पर बर्फ़। और देखिए एक और मतलब 2-3 किलोमीटर पहले एक और प्यारा सा गांव आया है, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ ऐसे होते हैं पहाड़ों के गाँव। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्लैब कम डालते हैं, एक तो कैरेज का भी पड़ता है, आपको पता है इतनी दूर से हम कुछ लेकर आते हैं, सीमेंट वगैरह बहुत दिक्कत होती है, तो उस वजह से भी नहीं होते हैं। और बाकी बर्फ़ की वजह से यहाँ पर ऐसे छत बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ जो है वो ना रुके। और ये देखिए सब लोग मतलब हंसते गाते जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी हम किसी नई जगह पर जा रहे होते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बागा सराहन और यहाँ पर अब हम गाड़ी लगाएंगे। तो गाड़ी बिल्कुल यहीं तक जाती है और ये लास्ट गांव है आई थिंक, इसके बाद कोई गांव नहीं है। और तो हम लोग पहुँच गए जैसे मैंने आपको व्यू दिखाया और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही है और सबको ठंड लग रही है। अच्छा चलिए चलो गाड़ी में चलते आगे। तो गाड़ी ना आगे तक जा रही है, देखते हैं आगे। हाँ जाएंगे। तो जहाँ तक गाड़ी आई वहाँ तक, मतलब जहाँ तक रोड था बहुत ही ख़राब रोड था, वहाँ तक हम लोग आ गए। यहाँ से ऊपर कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोग तो गाड़ी ग्राउंड में ही लगाने वाले थे पर भाई को फ़ोन किया था, उसने बताया कि गाड़ी ऊपर तक चली जाती है, मतलब थोड़ा और आगे तक चली जाएगी। तो वहीं तक हम आ गए थे गाड़ी में, उसके बाद हम लोग वाटरफॉल तक जाने वाले थे पर हस्बैंड ने बोला कि पहले खाना खा लो क्योंकि वाटरफॉल पता नहीं कितनी दूर है और बच्चों को फिर भूख लगेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, पहले खाना खा लो फिर हम चलेंगे। तो बस यहीं पर हम बैठ गए थे, खाना मैं घर से ही बनाकर लेकर आई थी, मुझे लगा था वहाँ जाकर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, पर यहाँ आकर इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो फटाफट से मैंने जैसे तैसे बच्चों को खाना दिया, सभी को खाना दिया मतलब। तो हम लोग बनाकर लेकर आए थे आलू की सब्ज़ी, चपाती, फ्राइड राइस और हलवा और चने, जैसे जीरे के छोंक वाले चने लेकर आए थे हम और सूजी का हलवा लेकर आए थे। और मैं आपको बताऊँ ना, बाहर खाना खाने का जैसे हम पिकनिक पे जाते हैं, कुछ अलग ही टेस्ट उस खाने में आता है और कुछ अलग ही मज़ा होता है। और बच्चे भी ज़्यादा खाना खाते हैं घर में, हालांकि इतना खाना नहीं खाते हैं पर यहाँ पर वो मांग मांग कर खा रहे थे। तो लावण्या को ठंड लग गई थी तो उसने मासी की जो ये जिपर था वो पहन लिया था अपने जैकेट के बाहर से,
तो देखिए सामने नीचे बिल्कुल आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, थोड़ा सा मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, मैं आपको वापसी में दिखाऊंगी। तो यहीं हमने गाड़ी लगाई है और यहीं पर हम खाना खा रहे हैं। और देखिए खाना खाने के बाद यहाँ पर मतलब प्रकृति में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि पिकनिक मनाने गए, काफ़ी लोगों ने यहाँ कर रखा था ऐसा। जब हम ऊपर ट्रैक पर गए तब मैंने देखा मतलब खाना बनाया था, खाना खाया था, पत्तल गिलास बॉटल्स वगैरह वहीं फेंक दी थी। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए अगर हम कहीं जाते हैं। वैसे हम लोग भी जो है अपने साथ पैकेट लेकर गए थे एक अलग से, तो जूठी प्लेट डिस्पोजल मतलब जो भी हमारा था कचरा हमने वो अलग पैक कर दिया है और अब हम अपने साथ ही इसे लेकर जाएंगे गाड़ी में, तो इसे कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल, तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो अभी हम वाटरफॉल जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, आवाज तो आ नहीं रही यार कहीं, बोल रहे हैं यहीं थोड़ा ऊपर है। शान का मतलब होता है बर्फ जम जाती है, जब जम जाती है पानी, पानी जम जाता है, जम जाता है उसको कहते हैं शान। हाय राम, सांस चढ़ गई, खाना हमने खा लिया और खाना बहुत टेस्टी था, ठंड में बहुत टेस्टी लगा। कैसा खाना था सोनू? दांत जैसे मैंने उसको मुंह में डाला हाँ। तो सेंसोडाइन की याद हो गई, झुंझुनाहट, दांत एकदम ठंडे हो गए। हालांकि गरम गरम खाना हम लोग, थोड़ी गरम रहती है आज तो कुछ ज्यादा ही ठंडा। और आपको कैसा लगा? चिल्ड खाना खाया हमने आज पीछे वाले खाना कैसा लगा? ठंडा खाना खा के इनका नहीं, ठंडा कैसा लगा? ठंडा जब हम खा रहे तो वो लग रहा है बर्फ अंदर जा रहा है, टूट गया मेरा। कौन सा वाला? मिडल लास्ट वाला, वो दांत होती है, दांत नहीं होता। की स्वेटर पहनी अब? हाँ किसकी? मासी की। घर में तो आप ये बोल रहे थे मम्मा जैकेट नहीं पहननी, इधर देख के बोलो क्या बोल रहे हो। तो आपको जब मम्मा ने बोल दिया था साफ साफ शब्दों में हिंदी में समझा दिया था बेटे माँ ठंड है, आपने फारसी में नहीं समझा ना? फारसी मुझे भी, फारसी तो अभी मुझे भी सीखनी पड़ेगी मैंने। और ये लड़की भी नहीं सिंगल कमीज में उतरी हुई थी, अभी पता लगा बहुत ठंडी हवा है। अभी जब मेरी हड्डियों ने कीर्तन करा तब जाकर तब इसे याद, जैकेट याद आई। अच्छा जय माता करता जा। देखो कितना अच्छा पुल है यार, मुझे लगता है सुनो कोई वाटरफॉल नहीं है, पानी तो आ नहीं रहा, पानी सूखा है। वाटरफॉल ऐसा नहीं होता मनु, नहीं तो वो वाटर ऊपर से कहीं पानी, वाटरफॉल का पानी इधर ही आता है ना मेरे ख्याल से। चलो आता है, अब ये सूखा वाटरफॉल है कैसे आएगा, यहाँ तो सब कुछ सूखा है। कितना अच्छा हुआ है, ग्राउंड से लेकर वाटरफॉल तक है जो कि यहाँ से पता नहीं कितना दूर है, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ये क्या है, पेड़ को वाल लग गए। It's not a game, it's a rich game. बस हम पहुंच ही गए हैं, सामने दिख रहा है वाटरफॉल और थक गए। यहाँ से तो काफ़ी है पर बहुत सुंदर लग रहा है व्यू, पर रास्ता ना पथरीला है बिल्कुल, ऐसा जैसा मैंने आपको दिखाया है। रास्ता ऐसे होगा ये टेढ़ा टेढ़ा, बैठ जाओ आप, बोल तो रही हूँ मैं, यहाँ बैठ जाओ, यही है अब थोड़ा ऊपर ये है वाटरफॉल, तो ऐसे सीधा होगा। ये तो थक गए भाई,
हिम्मत नहीं रही, बुढ़ापा जवाब दे गया। मैं तो ये सोच रही हूँ तुम पैदल कैसे आए थे 9 किलोमीटर, मेरी तो समझ से बाहर है। और ये रहा, पानी कम है पर ये रहा वाटरफॉल। हाँ मामा, हम लोग ना यहाँ पहुँच गए और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर सच में। इसे हिडन वाटरफॉल बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था कि यहाँ वाटरफॉल है। और हम लोग बोल रहे थे शायद आजकल वाटरफॉल ना हो, सर्दियाँ हैं पानी जम जाता है। तो आ रहे हैं ये लोग जो है ना, हस्बैंड जो है आधे रास्ते में ही रुक गए थे कि नहीं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गुफा, और गुफा के ऊपर पहन ली तूने। सात रंग के ख्वाब है आँखों में बसे, यहाँ से ना जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर देख। और ये जो पानी की छीलते हैं ना बारीक बारीक से, ये आगे आ रही है। चलो बेटे चलो, अब चलो चलो पकड़ लेंगे। हस्बैंड निकल गए हैं, उनके सर दर्द हो रही है तो चलते हैं। और यहाँ पर ना ये लकड़ी लगी है इतनी अच्छी चलने के लिए, तो बस अब निकलते हैं क्योंकि बच्चों के साथ फिर अंधेरा भी हो जाता है ना। खाना तो हमने खा लिया है, थोड़ा सा अब हम ग्राउंड जो है वहाँ पर भी घूमेंगे, वहाँ पर भी थोड़ी पिक्स लेंगे और उसके बाद। तो वापस आने के बाद देखिए आधे रास्ते में ना हमें ये बहुत सारी बर्फ मिली, तो हम लोग यहाँ पर, मैं चली गई थी कि फ़ोटो खिंचवाऊँगी, बैठ गई थी, पर बच्चे कहाँ छोड़ते हैं। ये देखिए सूजल सबसे ज़्यादा, तो मैं इसे बोल रही थी मैं बात नहीं करूँगी तो उसे मत कर, पर सुनते नहीं हैं बच्चे। मतलब बर्फ़ में खूब गोले मार रहे थे एक दूसरे को। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ खाई भी थी। तो काफ़ी देर हम लोग ग्राउंड में घूमे, बहुत सारी पिक्स ली, खूब इंजॉय किया। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ बीचों बीच एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए इस पर किस तरीके का डिज़ाइन है, सारा मंदिर जो है वो लकड़ी का ही बना है, लकड़ी पर डिज़ाइन है। एक मंदिर यहाँ गांव में भी है, पास में ही बागासरान का गाँव है, वो भी बहुत सुंदर है, पर हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो 5:30 हम लोगों को यहीं हो गए थे निकलते निकलते, तो मैंने कहा चलिए मैं दर्शन कर लेती हूँ और आप सभी के दर्शन भी करवा देती हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको ट्रैक वाटरफॉल, और कैसा लगा आपको यहाँ का एरिया, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।